साबिक भारतीय वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी को मुतनाज़े शहरियत कानून वापस लेने का मशवरा दे दिया। मनमोहन सिंह ने कहा कि इंडिया तेजी के साथ हाथों से निकल रहा है, अगर मसले का फौरी तौर पर सद्देबाब न किया गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। साबिक भारतीय वजीर आजम और कांग्रेस पार्टी के रहनुमा मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत की मौजूदा सूरत हाल बहुत ही ज्यादा संगीन है और परेशान कुन है, जबकि मुल्की इदारे, मीडिया और अदालत अब तक इन हालात को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। इसीलिए हुकूमत को मुतनाज़े शहरियत तरमीमी कानून को वापस ले लेना चाहिए। नई दिल्ली में होने वाले मुस्लिम कुश फसादात के हवाले से इंडियन अखबार ने अपने एक कॉलम में साबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशरती कशीदगी की आग पूरे मुल्क में तेजी से फैल रही है और हमारे मुल्क की रूह को खतरे में डाल रही है। इस आग को वही बुझा सकते हैं जिन्होंने उसे लगाया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि इस वक्त भारत की लिबरल शनाख्त खतरे में पड़ चुकी है, मईशत भी खतरात से दोचार है और अगर मुल्क में फिरका वाराना बेचैनी पाई जाएगी तो लाख जतन के बावजूद मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती और सरमायाकारी मुमकिन नहीं है।